हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसमें कितने मेथड्स है, ठीक है ना, क्या फीचर्स है, क्या कारण है डेप्रिसिएशन देने का, तो इन सभी बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का ऐसा एक्टिविटी है जिसके द्वारा ग्रेजुअली, परमानेंटली और कंटिन्यूअस बिजनेस के एसेट्स के वैल्यू को घटाया जाता है, यानी रिड्यूस किया जाता है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि एसेट्स होते कितने तरह से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। एसेट्स को दो भागों में बांटा गया था, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स को दो भागों में बांटा गया था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो यह जो डेप्रिसिएशन है वह सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर ही चार्ज होता है, ना कि इनटेंजिबल एसेट्स पर। तो टेंजिबल एसेट्स वैसा एसेट था जिसे हम लोग, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता था और जिसे हम लोग सी और टच कर सकते थे, जैसे बिल्डिंग, लैंड वगैरह होता था, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं विशेषता क्या है डेप्रिसिएशन की। तो विशेषता क्या है कि डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली, परमानेंट, कंटिन्यूअस फॉल करता है द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट्स एक्सेप्ट द लैंड। यानी लैंड को छोड़ के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, ठीक ना, उन सभी का वैल्यू डेप्रिसिएशन घटाता है, क्योंकि लैंड का वैल्यू घटता ही नहीं, वो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता, हमेशा ही बढ़ते जाता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, ये हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, हमेशा प्रॉफिट को घटाता है, जिसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहते हैं। तीसरा हमारा यूज या चार्ज ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। हमने ऑलरेडी बताया कि यह सिर्फ चार्ज होता है टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेड इन सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर। यानी डेप्रिसिएशन हम लोग कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सिस्टमैटिक और रैशनल मैनर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेनी फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, ठीक है ना। फिर आपका होता है डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, या आपका बिना कैश वाला एक्सपेंस है। इसके बाद हम लोग फीचर समझ गए, हम लोग मीनिंग समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन देने की क्या जरूरत है, नीड फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसे आप लोग उतार लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन के बारे में कि क्या जरूरत है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहला नीड है इसका फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमने एसेट्स खरीदा है, ठीक है ना। तो अगर उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि साल के अंत में हमने कितना उस एसेट्स का यूज किया है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक्चुअल जो कॉस्ट है हमारा उसका कितना है, वो पता चलता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो जब हम किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो हमें यह प्राप्त होता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, यानी एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा वो हमें पता चलता है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ के दिखेगा, यानी इंक्रीज होकर दिखेगा। लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने एसेट्स पे, तो जो डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है वो हमारा प्रॉफिट को घटाएगा, ठीक है ना। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करें तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है करेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट और लॉस सही दिख सके। तीसरा हमारा करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो साल के अंत में हमारा जो एसेट्स का वैल्यू है वो हमेशा सेम का सेम रहेगा, घटेगा नहीं। मान लीजिए हम 1 लाख का मशीन खरीदा है, ठीक है ना, उसको पूरे साल भर यूज किया, हमने प्रोडक्शन किया और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं,
तो क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा? कभी नहीं घटेगा, वो सेम के सेम प्राइस पे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अवेलेबल टैक्स रिलीफ। अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमें गवर्नमेंट द्वारा जो भी टैक्स रिलीफ है वो हमें मिलता है। बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन की, तो क्या कारण है डिप्रिसिएशन की? तो पहला आपका जो पॉइंट है डिप्रिसिएशन का कारण जो है बियर एंड टियर, यानी टूटना फूटना, ठीक है ना। दूसरा आपका कारण है पैसा जो टाइम, जब लंबे समय तक किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसका एक लाइफ दिया रहता है। अगर कोई एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो उसका भी 1 ईयर का वारंटी रहता है, ठीक है ना। उसी तरह किसी मशीन का 3-4 साल का वैलिडिटी होता है, जब 4 साल कंप्लीट होने के बाद उस मशीन का वैल्यू, उस एसेट का वैल्यू क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो भी कारण है डिप्रिसिएशन चार्ज होने का। दूसरा आपका आउटडेटेड, आउटडेटेड करने का मतलब कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आता है पुराना जो मशीनरी है वो आउटडेटेड होता है, जिसे बिजनेस पे नहीं चलाया जा सकता, उसके बिहाफ में हम लोग क्या करते हैं, नए मशीन को रिप्लेस करते हैं। तो ये भी कारण है डिप्रिसिएशन का। दूसरा फोर्थ आपका पॉइंट है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या करता है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द बेस्टिंग एसेट्स, ठीक है ना। जैसे आपका मिनरल्स हो गया, ऑयल वेल हो गया, ठीक है ना। उसी तरह फिर आपका काउज हो गया, फॉल इन द मार्केट वैल्यू, जब किसी एसेट्स के वैल्यू का मार्केट में वैल्यू गिर रहा है, ठीक है ना। हमने मान लीजिए कि अभी हमने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदा, ठीक है ना, उसका वैल्यू गिर के 80,000 हो गया, तो ये भी एक तरह का डिप्रिसिएशन का कारण है। लास्ट पॉइंट आपका एक्सीडेंट है। अगर हम बिजनेस के लिए कोई बस खरीदे, ठीक ना, अपनी एम्प्लॉय को लाने और ले जाने के, ठीक ना, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना, तो उसके कारण क्या, उसका वैल्यू का जो उसका वैल्यू में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण ये भी क्या है, कारण है आपका डिप्रिसिएशन का कारण है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना।